अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं फिर से हाजिर हो गई आपकी सारा। तो कैसे हैं सब? ठीक ठाक है? तो जनाब, कभी कभी होता है कि रात के टाइम अक्सर आपको बहुत भूख सताती है, तो उसमें आप इंस्टेंट जो है जल्दी से तैयार कर सकते हैं। अगर जो कि आजकल के सिलसिला चल रहा है गैस नहीं होती है, तो उसका मसला हल हमने कर दिया है जनाब। तो आप जो होता है सैंडविच मेकर होता है, ठीक है, उसको आपने सिंपल जो रोस्ट होता है उसमें हमने सैंडविच मेकर जो है उसमें हमने ये रोस्टेड ब्रेड जैम जो है वो हम बनाएंगे, ठीक है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं ब्रेड से इसके किनारे हमने काट लिए हैं अच्छे से, ठीक है, और साथ में कोई भी आप जैम ले लें, ठीक है। अगर आपका मीठा खाने का मन है और अगर कुछ भी है, तो मुझे फ्रूट जैम पसंद है तो मैंने वो ले लिया, ठीक है। तो हमने स्लाइसेस जो इस तरह से कट कर लिए, ठीक है। जल्दी जल्दी में बड़ा दिल कर रहा है, भूख बहुत ज़्यादा लगी हुई है, तो अंदाज़ नहीं सकती मैं। तो दोस्तों, इस टाइम जनाब रात के तकरीबन बजे हुए ने 1:30। एनीवेज, ते मैं क्या की करा, तो सोचिया चलो यह रेसिपी करते हैं। गैस आ नहीं रही है जो कि हाल है मुलगदा, तो असी जनाब मिनटा चीज क्या अपना जैम नू पीसा के उत्ते लगाने तो जनाब बनाने। तो चलो जी, और रोस्ट भी हो जाएगा, फ्राई भी हो जाएंगे, सब कुछ हो जाएगा। इस तरह जनाब तुम इन्हों अपना स्लाइसिस उत्ते, ठीक है, जैम नू इस तरह फैला लेना वा, ठीक है, जैसे कि तुम देख रहे हो। तो खैर, इस तरह से लगाने के बाद इनको सारे जो पीसेस है ना उनको इस तरह से पेयर में इकट्ठा कर लेना है, ठीक है। इस तरह से ये देखो असी इन्होंने मिला दता, ठीक है ना। तो ऐसा असी मिला के इन्होंने जनाब रख देना है साइड। सेम प्रोसीजर असी दूसरे स्लाइसेस का भी करना है, ठीक है। इस तरह असी ले लिया, फिर जैम ले लिया और उन्होंने अच्छी तरह से हर जगह उन्होंने फैला लेना है पीस के ऊपर, ठीक है। उस तो बाद ब्रेड ऊपर फैलाने तो बाद जनाब सेम वही उस तरह प्रोसीजर करना है असी जनाब, ऐसा अच्छे से इनू करके दूसरा स्लाइस भी लेना है जनाब, ठीक है। तो उन्होंने जनाब असी ऐसे ऊपर रख देना है, यानी कि इन्हों का जुड़ा बना देना, ठीक हो गया। तो ये बहुत ही मज़ेदार बनते हैं, बहुत क्रिस्पी बनते हैं, तुम भी ट्राई जरूर करियो। ऐ लो जी जनाब, आ देखो असी इन्होंने इकट्ठा करता है। अच्छा जी, हूँ नेक्स्ट स्टेप होना वा जनाब, असी की करना है, असी एक लेना वा अपना जो हूँ सैंडविच मेकर लेना है। ये तुम इन प्री हीटेड कर लेना, जरा थोड़ा गर्म मतलब लगा लेना, ऑन कर लेना, ठीक है। उस तो बाद करना है कि ये हल्का जहा जो है ना ऑयल है ना उन्होंने गिरा लेना, यानी कि इन्हों मिक्स कर लेना, ठीक हो गया। मिक्स कर ऑल ऑयल जरा इन छिड़का तो बाद जो स्लाइसिस ने सिंपली उन्होंने इन्हे उपर बड़े प्यार ना रख देना, प्यार मोहब्बत ना, ठीक है, ठीक हो गया। तो जनाब ये देखिए, हमने इन स्लाइसेस को इसके ऊपर रख दिया है बड़े प्यार से। अब हम इसको जो है अच्छे से इसके ऊपर जनाब, हाँ, ऑयल जो है दोबारा से हम स्लाइसेस के ऊपर ऑयल जो है वो छिड़क लेंगे, ठीक है। ऐसे करके ऐसा से इन्हों छिड़का लेना है ऑयल, ठीक है। या तुसी कुछ भी ले सकते हो, बटर भी ले सकते हो, ये तुहाडे ते डिपेंड करता है, इट्स अप टू यू। तो तुसी इन्हों छिड़का के जनाब इनू ढकने को बंद कर देना है, ठीक हो गया। देखो इनू लॉक कर लेना है, ताला ला देना है, ठीक है, ताकि खुलने की हिम्मत ना करे। ए लो जी, असी बंद कर लिया। हूँ इस तो बाद ऐसी ए देखो तो नज़र आ रहे ने 1, 2, 3, 4 ए नंबरिंग ने, ठीक है। तुसी 5 तक कर लेना है ताकि फुल हो जाए और अच्छी तरह ए ब्राउन गोल्डन कलर के हो जाए। मैंने क्रिस्पी पसंद है ज़रा, सो दैट्स वाई मैं टाइम ज़रा इनू मतलब 5 मिनट तक रखा, ठीक है। ए देखो, तो इस तरह तुम टाइम कर लेना, ऑन हो चुकी है। हूँ तो जब थोड़ी देर बाद चेक करांगे इनू कहते कि हालात ने। हेलो जी, इसी ओपन किया, ए देखो सुबहान अल्लाह माशाल्लाह किन्ना सोहना धुआं निकल दिया, तो किन्ने सोहने गोल्डन गोल्डन हो गए हैं, ठीक है। मैनू कह लो कि क्रिस्पी बहुत पसंद ने, थोड़े सड़ भी जाते, मैंने बहुत मज़ेदार लगते हैं। तो जनाब ए देखो सिंपली ए हो गया, इन तुम थोड़ी देर होर रखना, ठीक है, ताकि थोड़े जो वाइट वाइट है वो भी गोल्डन हो जाए। उसके बाद क्या करेंगे हम जनाब, अब वक्त आ गया है इनको निकालने का, तो चलिए जी निकालते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखिए माशाल्लाह से कितना खूबसूरत लग रहा है, बहुत क्रिस्पी है और झटपट ये तैयार हो गया है हमारे सामने। ये देख रहे हैं आपने इसको अच्छे से जो है निकाल लेना है, ठीक है। ये देखिए फड़े नहीं जानते, कहना मैं नहीं आना बार, मैं नहीं आना। अच्छा जी, चलो अभी फाइनली फाड़ ही लिया।
अच्छा जी, दूसरी प्लेट रख दो। ठीक है, ऐसे तरह तुझे सारे बारी बारी पकड़ लेना, पकड़ के इन्हों जना प्लेट च सजा देना। ठीक हो गया। ये इन च डिफरेंस तुम इस करके लग रहा है, ये देखो ना इस तरह ज़्यादा ब्राउन है ना, क्योंकि ए जो होंगे ना ब्रेड की बैक साइड होंगी है ना। एक्चुअली ये हमने ली थी, ये मुझे बहुत पसंद होती है, जो ऊपर वाला पीस होता है लास्ट वाला, वो फर्स्ट वाला जो होता है ना, वो मोस्टली बच्चे नहीं खाते हैं, बड़े भी नहीं खाते हैं, तो मुझे बहुत पसंद होता है, तो वो मैंने उसको भी यूज़ किया है। ठीक है, कोई रिजक को ज़ाया नहीं करना चाहिए, हमेशा हर चीज़ इस्तेमाल करो। ठीक हो गया। तो जो इसके किनारे उतारे थे वो भी हम वेस्ट नहीं करेंगे, उसका हम ब्रेड क्रम्स बनाएंगे। ठीक है, ब्रेड जो हमने किनारे उतारे थे, ये देखिए माशाल्लाह। तो अगर इसको आप देखिए, माशाल्लाह कितना खूबसूरत लग रहा है और बहुत अच्छे से मिनटों में तैयार हो गया, ये देखें। ठीक है, ये ब्राउन ब्राउन सा, ये सारा वो जो ब्राउन साइड ज़्यादा इसलिए लग रही थी क्योंकि वो बैक और फ्रंट था। अच्छा, अब इसको हम आपको काट करके दिखाते हैं, काट करके दिखाते हैं। ठीक हो गया, ये देखें अच्छे से, क्योंकि मैं कल ही जान वीडियो बनाने वाली, ठीक है ना, तो एक हाथ में कैमरा पकड़ा हुआ जनाब, एक हाथ से कट कर रही हूँ, तो ठीक है बर्दाश्त करिए। तो ये देखिए, हाँ माशाल्लाह, ये देखिए कितना खूबसूरत ये और मज़े का लग रहा है, बहुत ही यमी लग रहा है। और ये मैंने ट्राई किया, वाओ बहुत मज़ेदार है। अच्छा जी, तो अब ये सारा हमारा रेडी हो चुका है, अब हम जनाब इसको क्या कहते हैं उसे खाएंगे, इंजॉय करेंगे, साथ में दूध का ग्लास लेंगे। ठीक हो गया। तो हमारा तो ये जनाब पेट पूजा हो गई है, तो सोचा ये रेसिपी आप ही के साथ भी शेयर करते हैं, आपको भी कभी जरूरत पर ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा इसको और ट्राई कीजिएगा। अगर पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। सारा को इजाज़त, फ़ी मान अल्लाह, फिर मिलेंगे।